दोस्तों, जब हिंदुओं के महादेव अफ्रीका में मिले तो क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। आज हम भगवान शिव की उन सबूतों के बारे में बात करेंगे जिसे सुन के आप भी हैरान हो जाओगी। दोस्तों, आप सच्ची महादेव के भक्त हो तो कमेंट सेक्शन पर लिखना हर हर महादेव। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। अफ्रीका या कालदीप, एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण होते स्थित ये एक गणराज्य है, आधुनिक मानवता के वसावट दक्षिण अफ्रीका में 1,00,000 साल पुरानी है। यूरोपीय लोगों के आगमन के दौरान उसी खेत में रहने वाले बहुत संख्यक स्थानीय लोग आदिवासी थे, जो अफ्रीका के विभिन्न क्षेत्र से हजारों साल पहले आए थे। ऐसे तो शिव जी के मंदिर विश्व के हर क्षेत्र में है, चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर अफ्रीका। लेकिन हम आपको बता दें, अफ्रीका में 6,000 साल पूर्व प्रचलित प्रथा हिंदू धर्म मौजूद है। दक्षिण अफ्रीका में शिव जी का मूर्ति पाया जाना इसी बात का सबूत है। भगवान शिव जी की महिमा पूरे विश्व भर में है। साउथ अफ्रीका के गुफा में वैज्ञानिकों का एक दल शोध करने के लिए पहुंचा। ऐसे में उन्हें एक शिवलिंग दिखाई दिया। वैज्ञानिकों ने इसके जब जांच की, पता चला कठोर ग्रेनाइट पत्थर से बनी हुई। जांच करने पर यह शिवलिंग 6,000 साल पुराना है। शिव जी के अफ्रीका में पाए जाने की खबर चारों तरफ हलकम बच गया। वैज्ञानिक ये सोचकर भी हैरान है, आखिर ये शिवलिंग यहाँ पर कैसे पहुँचा, ये शिवलिंग अभी तक इतने सुरक्षित कैसे रह पाई है। दोस्तों, ये जानकर आपका आश्चर्य होगा कि ये हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची शिव शक्ति की प्रतिमा अनावरण भी दक्षिण अफ्रीका में किया गया। बिनोनी शहर की एक्टन जिले में प्रतिमा स्थापित की गई। इसके अनावरण के बाद भगवान शिव की महिमा चारों तरफ फैल गई। 10 कलाकारों ने 10 महीने की कड़ी मेहनत के बाद इस प्रतिमा को तैयार किया। ये कलाकार भारत से गए थे। इस 20 मीटर ऊंची प्रतिमा को बनाने के लिए करीबन 90 टन की स्टील का उपयोग किया गया था। दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगे कमेंट सेक्शन में आपका राय जरूर बताएगा।